हेलो गाइस, तो फिर से एक न्यू वीडियो स्टार्ट हो चुकी है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। वायर उसका जो अंदर से जलने का बहुत कम चांस रहता है, पर ये जो बोर्ड है गाइस, इसका वायर वगैरह नहीं जला हुआ है। इसका गाइस मैं बताऊँ आप लोगों को, तो जो वायर ये जो आप लोगों को मैं जिसको खोल रहा हूँ, ये प्लास्टिक होता है और प्लास्टिक और अंदर जो होता है वो लोहा होता है। तो गाइस ये लोहा छोड़ दिया है, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो गाइस आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें का लोहा मैं दिखाने वाला हूँ, मतलब देख सकते हैं लोहा टूट चुका है। एक लोहा आप लोग को दिख रहा होगा टूट चुका है यहाँ पे, दूसरा लोहा को भी मैं टेप के मदद से मतलब चिपकाया हूँ, तो उसको भी मैं उखाड़ कर हटा दूंगा। तो नहीं हो पाएगा गाइज, इसलिए कि यहाँ पे जो नट आप लोग को दिखा रहे थे मैं अभी, उसका जो स्क्रू है गाइज अंदर ही गिर गया है, जो कि उसको खोलना बहुत ज़रूरी है। या तो हम अंदर से इसको कसी नहीं सकते हैं, तो इसको खोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसको फटाफट खोलते हैं, पूरा बोर्ड हम लोग को खोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं खोल चुके हैं, तो ऐसे स्क्रू वगैरह निकाल लेते हैं, इसलिए कि इसको निकाल कर रखे रहेंगे तो मतलब बोर्ड कसेंगे तो लगा सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इसको मैं पूरा अच्छी तरीके से खोल दिया हूँ, यहाँ से इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही स्क्रू दोनों अंदर गिर गए थे, तो जैसे कि कसा नहीं पाते हैं, जो कि उसको अंदर ही से कसना पड़ेगा, तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक जूटा हुआ है, तो उसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं यहाँ से, और एक तो छोड़ ही दिया है, तो इसीलिए इसमें करंट नहीं आ रहा था, तो यहाँ से इसको भी तोड़ दिए। तो हटाते हैं इसको साइड में, और यहाँ से ये दोनों को निकाल कर इसका जो कि तार जो कसा हुआ है उसको खोलेंगे। तो वहाँ से अगर तार इसको मतलब इसका निकालते हैं और फिर इसमें दूसरा तार मतलब जोड़ेंगे तभी हो पाएगा। तो यहाँ से तार को निकालते हैं हम लोग फटाफट। तो गाइस यहाँ से इसको भी खोलते हैं, और गाइस इसको खोल देंगे तो यहाँ पे दूसरा मतलब वही तार को जोड़ेंगे, पर दूसरा जो जैसे कि जो लोहा खोल रहे हैं वैसा दूसरा लोहे में, जैसे कि दूसरा जो पिन आप लोगों को दिखा रहे थे वो पिन में जोड़ने वाले हैं। और गाइस मैं आप लोगों को जो शुरू में बटन का पैकेट दिखा रहा था गाइस, मतलब वहाँ जो सामने आप लोगों को दिख रही है बटन की पैकेट बोर्ड के सामने, तो गाइज वो बटन नहीं है गाइज, वो पैकेट बटन का है, पर मार्केट से लिए मैंने तो गाइज बटन पैकेट का दिया है, पर गाइज उसके अंदर जो है वो पिन वाला है गाइज। जब मैं वो पैकेट खोलूँगा तो आप देख सकते हैं जो उसका अंदर पिन रहेगा, पर दे दिया है बटन गाइज। तो यहाँ से इस वायर को तोड़ चुके हैं, और यहाँ से ये वायर को छीलना पड़ेगा, थोड़ा सा कट लगा कर छीलेंगे। तो यहाँ से कट लगाते हैं, और कट लगाने के बाद यहाँ पे छीलने वाले हैं इसको। वो वाला जो ऊपर वाला वायर है वो सही है, लेकिन नीचे वाला नहीं सही है, तो इसका तो छीलना ही पड़ेगा। तो इसको छीलते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे इसको हम लोग छील रहे हैं, तो गाइस ये छील चुका है पूरा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे इसको हम खोलते हैं और देखिएगा गाइस इसके अंदर क्या है गाइस। तो गाइज देख सकते हैं बटन नहीं है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, ये पिन है गाइज, जो कि जो जैसा पिन अभी निकाले हैं बोर्ड में से एकदम सेम टू सेम वैसा ही पिन है गाइज। तो ये जो पिन है इसी को लगाने वाले हैं। तो यहाँ से उसका स्क्रू मतलब अलग से मिलता है, तो ये स्क्रू को हम लोग लगाएंगे, तो इसी स्क्रू को हम लोग फटाफट लगाते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्क्रू निकाल चुके हैं, और दोनों जगह पे लगाने वाले हैं जहाँ पे दिखा रहे थे। तो गाइस देख सकते हैं इसको खोल रहे हैं, और इसको खोलने के बाद यहाँ पे जो आप लोगों को होल दिख रहा है, ज़्यादा होल मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा, तो उसी में जैसे कि दोनों साइड का वायर डाल डाल कर मैं कसने वाला हूँ। तो ये उल्टा है, इसको सीधा करते हैं, तो सीधा यहाँ पे ऐसे कसने वाले हैं सीधा इसको। तो यहाँ से जो दोनों उसका पॉइंट था उसके अंदर दोनों मतलब दो ऊपर तार रहेगा, दो नीचे तार रहेगा, एक बटन का एक दूसरी पिन से जुटी हुई वायर। तो गाइस ये दोनों वायर को एक साथ कर लगा देंगे। तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस आप लोग, और जो नोटिफिकेशन जो ऑन किया जाता है उसको ऑन कर देते हैं, तो आप ही के पास सबसे पहले वीडियो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैं वायर को अंदर मतलब लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको कसते हैं अब हम लोग। तो गाइज 5 से 6 मिनट की वीडियो है, अगर आप इस लोगों इसको अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, अपने घर पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोर्ड बनाना सीख जाएंगे। तो आप लोग इस पे 5 से 6 मिनट अगर टाइम देते हैं तो
आप लोग भी अपने घर पे अपना जो अपने घर का जो आप लोग के घर का जो बोर्ड रहेगा उसको अपने घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत लगता है गाइज, आप लोग तो देखते ही होंगे वीडियो में। तो गाइज देख सकते हैं जो आप लोग को मतलब जूम कर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि वायर जोड़ चुके हैं और दोनों स्क्रू को अब कसने वाले हैं। तो यहाँ पे दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं और खोलने के बाद दोनों स्क्रू को कस देंगे, जो न्यू वाला स्क्रू फाड़े हैं वही दोनों कसेंगे। तो यहाँ पे स्क्रू को डाल रहे हैं, अब अंदर से वो पिन लगा कर कसना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको भी लगाते हैं और लगाने के बाद इसको कस देंगे, टाइट कर देंगे, तो गाइज हिलने डुलने का डर नहीं रहेगा। और गाइज मैं इसको बता दे रहा हूँ, जैसे कि इसका करंट मैं निकाल कर ये सब करता हूँ, आप लोग तो देख ही रहे होंगे। और गाइज आप लोग भी ये सब काम अपने घर पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी से करिएगा, इसलिए कि इसमें करंट का झटका बहुत मार सकता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सावधानी मतलब रख कर करिएगा। और गाइज अगर इसको करते हैं ये सब काम तो आप लोग को करंट तो लगता ही होगा, ऐसे तो नहीं है करंट नहीं लगता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में कर लेते हैं। गाइज देख सकते हैं बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग थोड़ा बहुत मतलब स्पेस रखेंगे उसमें, जो कि अगर सटा कर रखेंगे तो गाइज सही नहीं रहेगा। तो दूसरा स्क्रू डालते हैं यहाँ पे और इसका नीचे से पिन लगाते हैं हम लोग। तो गाइज देख सकते हैं इसका पिन हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, इसका पिन गाइज लगा रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग, जो कि अब कसते हैं हम लोग। तो गाइज इसको थोड़ा सा कसने में दिक्कत हो रहा है गाइज, जो कि जो स्क्रू है गाइज वो सही नहीं है, जैसे स्क्रू के अंदर गड्ढा टाइप में रहता है, तो ये स्क्रू ऐसा है गाइज पूरा बराबर है, बस थोड़ा बहुत मतलब खाल टाइप में है गाइज, तो इसको निकालना ही पड़ेगा हमको तो लग रहा है। तो देख सकते हैं ये मतलब नहीं घूम ही नहीं रहा है, घूम रहा है पर मतलब कसा नहीं पा रहा है, तो इसको हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ से इसको निकालते हैं हम लोग और निकाल कर पुराना वाला स्क्रू डालेंगे इसमें। तो देख सकते हैं पैकेट में भी मतलब स्क्रू नहीं सही था, तो यहाँ से निकाल कर जो पुराना वाला स्क्रू है वो सही है, तो उसको लगाते हैं। तो यहाँ से फटाफट इसको निकालते हैं हम लोग। और गाइज मतलब 2 से 4 मिनट और देख लीजिएगा गाइज, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो चुकी है, लेकिन क्या ही बताऊँ गाइज, थोड़ा बहुत तो दिक्कत आता ही है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। और गाइज अगर पूरा वीडियो बिना स्क्रिप्ट किए हुए देखते हैं तो गाइज आप लोग अपने घर पे बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से सब कुछ बनाना जान जाएंगे। और गाइज अगर आप लोग मतलब चाहते हैं कि इससे भी मज़दार वीडियो आए तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा गाइज। तो गाइज देख सकते हैं दूसरा स्क्रू इसमें मैं लगा रहा हूँ और इसको कसेंगे। तो यहाँ पे नीचे से वो बोल्ट इसका जो होता है उसको कस लेते हैं। तो गाइज देख सकते हैं इसको भी मैं मतलब अंदर से कस चुका हूँ, वो बाहर से कसना रह गया है, तो यहाँ से इसको फटाफट कस लेते हैं। और गाइज ये सब कर मैं आप लोग को ये बोर्ड को आप लोग के सामने टेस्ट कर भी दिखाने वाला हूँ, तो गाइज वीडियो बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम इसको कस चुके हैं और कसने के बाद यहाँ पे इसको बंद करते हैं अब हम लोग, इसलिए कि इसका पूरा काम अंदर से हो चुका है, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ अब। और बंद करने के बाद यहाँ पे स्क्रू कसेंगे, इसका सारा स्क्रू मतलब निकाले थे 3 स्क्रू लेकिन इसमें कसेंगे 4 स्क्रू, इसलिए कि मेरे पास एक स्क्रू एक्स्ट्रा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को अब ज़्यादा मतलब अब देर नहीं होगी और यहाँ पे फटाफट अब हम लोग कसते हैं। और कसने के बाद जैसे ही मैं इसको कस देता हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बस 2 मिनट और गाइज, बस 2 मिनट और देखते हैं, तो उसके बाद आप भी अपने घर पे बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे इसको कसते हैं गाइज, तो जब तक कस रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गाइज देख सकते हैं यहाँ पे इसको। और गाइज अगर आप लोग भी मतलब सोचते हैं कि न्यू बोर्ड मैं इस चैनल पे बना कर डालूं, तो आप इस वीडियो का जो मतलब कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं न्यू बोर्ड बना कर डालूं कि नहीं डालूं। और अगर आप लोगों को दूसरा कुछ भी मतलब कुछ भी आप लोग को आप लोग
को दिमाग में जो मतलब चल रहा होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मतलब दूसरी वाली जो वीडियो आएगी किस टॉपिक पे आने वाली है, तो आप लोग कमेंट करिए, और जो कमेंट करेंगे उसी के ऊपर वीडियो मतलब बनाने वाले हैं हम, तो आप लोग कमेंट करिएगा। और गाइज ये भी कमेंट करिएगा कि ये मतलब बोर्ड सही है कि नहीं, तो ये बोर्ड के बारे में भी कमेंट करिएगा और अलग से भी कमेंट करिएगा। तो गाइज यहाँ पे मतलब पूरा कसा चुका है, देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत भी यहाँ खोलने का डर नहीं है, यहाँ से अंदर का जो होल्डर है वो देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं गाइज जो बटन है। और गाइज जो मतलब आप लोग जो बटन मैं दिखा रहे थे अभी, एक जो इधर मतलब चार्जर जिसमें लगा रहे हैं, इसका बटन जो आप लोग को पिन के साइड में है वो वाली बटन है, यहाँ पे देख सकते हैं जो बटन को मैं ऑन कर रहा हूँ उसी मतलब बटन से दोनों पिन काम करेगी। और देख सकते हैं वो वाला जो होल था, जो पिन था वो वाला तो काम ही कर रहा था शुरू से ही, तो मैं इसको भी टेस्ट कर दिखाने वाला हूँ, जो कि इस बोर्ड में मैं करंट दे दिया हूँ 220 वोल्ट 240 वोल्ट, आप लोग जितना भी समझ सकते हैं उतना समझ लीजिएगा, मैं बोर्ड में पूरा करंट दे दिया हूँ और ये काम भी करने लगा है। तो गाइस देख सकते हैं ये वाला पिन काम कर रहा है, और ये चार्जर का मतलब जो मुंह है उसमें नहीं जा पाएगा, तो मैं इसमें सोल्डर मतलब लगा कर दिखाने वाला हूँ। और मैं अगली बार जो सोल्डर लगाए थे वो नहीं जल रहा था, उसमें कोई सी लाइट नहीं जल रही थी, तो अब देखते हैं क्या लाइट जल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे इसमें पिन लगाते हैं हम लोग, बटन को पहले बंद कर लेते हैं। और गाइस ये जो ये बटन से ये काम होल्डर काम करता है, जो होल्डर के पास बटन है उसे वो, और ये जो बटन है इससे ये दोनों पिन काम करता है। तो गाइज ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखेंगे क्या। तो देख सकते हैं ऑन कर दिए हैं, यहाँ मतलब नहीं ऑन किए हैं तो यहाँ पे नहीं जल रहा है, और यहाँ पे ऑन करते ही गाइज देख सकते हैं यहाँ पे, तो गाइज आप लोग को ब्लिंक करते हुए जैसे कैमरे में दिख रहा होगा, तो ये जो ब्लिंक करते हुए आप लोग को कैमरे में दिख रहा होगा वो गाइज मतलब शोल्डर की जो लाइट है वो नहीं ब्लिंक कर रही है। गाइज आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, जो शोल्डर की लाइट है वो नहीं ब्लिंक कर रही है, कैमरे को जैसे ब्लिंक करते हुए दिख रहा होगा आप लोग को। अगर कैमरे के सामने अगर हम लोग एक बल्ब जैसे कि जला कर रख देते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब ब्लिंक करने लगता है, तो उसी तरह जैसे कि छोटा बल्ब जल रहा है ना, तो यहाँ पे कैमरे के ज़्यादा नज़दीक जलता है तो ब्लिंक करता है, तो गाइज उसीलिए ब्लिंक कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन मैं इस तरह देख रहा हूँ तो वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, अगर आप लोग भी इस तरह देखेंगे ब्लिंक नहीं करेगा, लेकिन कैमरे से देखेंगे तो ब्लिंक करेगा। तो यहाँ पे हार्ड होने ये शुरू हो चुका है, और ये हार्ड जब तक हो रहा है गाइज वीडियो को लाइक करिएगा, ये हार्ड हो जाएगा तो गाइज जो कि ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो यहाँ पे मैं रांगा को टेस्ट कर भी दिखाने वाला हूँ क्या ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको हार्ड होने देते हैं थोड़ा बहुत, और तो यहाँ पे इसको देखिएगा मतलब अभी भी ब्लिंक कर रहा है, अगर आप लोग देखेंगे आप लोग को जो कि कैमरे में ब्लिंक करते हुए तो दिख ही रहा होगा, जब तक दिखाएंगे तब तक दिखेगा, लेकिन हमको इस तरह नहीं दिख रहा है, वो ब्लिंक ही नहीं कर रहा है गाइज। और यहाँ पे इसको देखते हैं, तो गाइज अभी मतलब नहीं ज़्यादा हार्ड हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे पिघल नहीं रहा है, तो अभी ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ है, देख सकते हैं अभी ज़्यादा हार्ड नहीं है गाइज ये। तो गाइज फिर से ट्राई करते हैं यहाँ पे, तो सामने से ट्राई करते हैं, तो देख सकते हैं होने लगा गाइज, जो कि हार्ड हो चुका है गाइज, 50 से 60 सेकंड लगा है मतलब एक मिनट हार्ड होने शुरू हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी गलने शुरू हो गया है, देख सकते हैं। तो गाइज देख सकते हैं इतना आप लोगों को दिखाने के लिए काफ़ी है, इसलिए कि रांगा मतलब बर्बाद हो रहा है, तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग तो देख ही लिए होंगे, तो पूरा मैं टोटल आप लोगों को दिखा दिया हूँ, और मतलब आप लोगों को वीडियो बहुत ज़बरदस्त मतलब लगी होगी, और मैं अपने ओर से तो ज़बरदस्त वीडियो लाता ही रहता हूँ, तो मतलब आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उसको टिप कर सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे, और गाइज यहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग फिर से भी चाहते हैं सब्सक्राइब का बटन दिखे तो यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, और वही सब्सक्राइब मतलब जो लिखा हुआ है वो नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन तर लिखा होगा, वहाँ जाकर टच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।